हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है शर्वेला, आप देख रहे हैं टेक बॉय। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डाइवा का 40 इंच का एलईडी टीवी। तो उसी के रिगार्डिंग हम आज डिस्कस करेंगे, उसके सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, उसका डिस्प्ले, साउंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लेट्स स्टार्ट। लुक वाइज हम देखें तो टीवी काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है। टीवी की जो फिनिशिंग है वो भी काफ़ी अच्छी की गई है। जैसे कि इसकी ब्रांडिंग अगर हम देखें तो ब्रांडिंग भी काफ़ी जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं जैसे कि पैनासोनिक, सोनी, सैमसंग वगैरह जो फिनिश देते हैं, वैसी फिनिश दी गई है। ये इंडियन स्टार्टअप ने काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव ली है। और इसी तरह जो स्टिकर्स हमें दिख रहे हैं उसमें कौन कौन से फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड कर रहा है, USB है, वाईफाई है, तो ये सारी चीज़ें भी ये टीवी प्रोवाइड करता है और इन्हीं को हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। अगर हम पैनल्स की बात करें, बैक पैनल्स की बात करें, तो देखिए उसके जो टीवी के जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो हमें फिजिकल बटन्स दिए गए हैं टीवी को ऑपरेट करने के लिए। बैक पैनल पे देखें तो एक AV इन का है, 2 AV आउट का है, 2 HDMI पोर्ट्स दिए गए हैं, 2 USB पोर्ट्स है। टीवी को वॉल हैंग करने के लिए भी काफ़ी अच्छे हुक्स दिए गए हैं। PC और VGA केबल वगैरह भी दिया है कि अगर इनके साथ PC कनेक्ट करते हैं तो आप PC भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट है इन पैनल्स की। अगर हम एक्सेसरीज़ की बात करें तो देखिए सबसे पहले तो ये बुकलेट्स ही आते हैं जिसमें टीवी की वारंटी गारंटी वगैरह जो है वो लिखी होती है। दूसरे उसके साथ आते हैं जो केबल्स वगैरह है जो ऑलरेडी मैंने कनेक्ट कर दिया है। रिमोट आता है, देखिए एक तो जो मेन रिमोट है वो, और दूसरा जो है ये जो मैंने हाथ में पकड़ा है वो है एयर रिमोट। जैसे हम PC पर माउस का इस्तेमाल करते हैं उसी माउस का माउस इस्तेमाल करने के लिए रिमोट है। जैसे कि हम जैसे ही पॉइंट करेंगे रिमोट उस पर माउस आएगा और माउस को हम यूज़ कर पाएंगे जैसे हम PC पे यूज़ करते हैं। काफ़ी अच्छा रिमोट दिया गया है, रिमोट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, प्लास्टिक भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। ये सेम रिमोट है, ज़्यादा फंक्शनैलिटी चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम है। अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो ये फुल HD डिस्प्ले है, मतलब कि आप उसकी क्वालिटी तो देख ही सकते हैं। देखिए कितने वाइब्रेंट कलर्स है, कलर क्वालिटी भी कितनी अच्छी है, कलर करेक्शन भी काफ़ी अच्छा किया गया है, बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है। सॉफ्टवेयर के बारे में देखें तो मतलब ये देखिए पहले तो ये इंटरफेस काफ़ी अच्छा दिख रहा है एंड्रॉयड का। सेटिंग्स में अगर जाके हम देखें तो ये एंड्रॉयड किटकैट के ऊपर बेस्ड है और काफ़ी अच्छा जो है वो सारी फैसिलिटीज़ जैसे कि एक नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन में होता है वैसी सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। एंड्रॉयड अपडेट के बारे में ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं है लेकिन उम्मीद करता हूँ कि डाइवा देगा। अगर साउंड के बारे में देखिए तो देखिए मैं एक जो सॉन्ग है वो प्ले कर रहा हूँ, आप उसी से पता लगा सकते हैं कि साउंड क्वालिटी कितनी अच्छी है। देखा दोस्तों कि टीवी काफ़ी अच्छी फील दे रहा है, काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट दे रहा है ये कंपनी डाइवा का। एक इंडियन कंपनी का स्टार्टअप है तो मतलब प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी का है। बस जैसे कि दूसरा सैमसंग, सोनी वगैरह जो है वो इतनी सारी जो एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं ये उतना कर नहीं पा रहा है, लेकिन काफ़ी अपना मार्क छोड़ रहा है डाइवा, काफ़ी अच्छी फेमस हो रही है टीवी। उसके अंदर के जो स्पेसिफिकेशन उसके बारे में बात करें तो ये एंड्रॉयड 4.4 किटकैट पे रन कर रहा है। इसकी 1 GB की रैम है, 4 GB की जो इंटरनल स्पेस है। इसका जो प्रोसेसर है वो स्पीकर पे तो क्वाड कोर दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं CPU अगर डाउनलोड किया था तो CPU में मुझे ड्यूल कोर दिखा रहा था। तो इसके बारे में ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, देखते हैं टीवी मतलब जो कंपनी है वो क्या क्लेम कर रही है, क्वाड कोर है या ये। एक बार मैंने मेल कर चुका हूँ, देखते हैं उनकी तरफ से क्या रिप्लाई आता है। अगर हम पैनल्स वगैरह की तो बात करें तो पैनल्स में भी काफ़ी सारे इनपुट जो हमें दिए गए हैं, जो AV इन है वो 2 है, 2 AV आउट है वो 1 है, 2 HDMI पोर्ट्स है, USB पोर्ट्स जो है वो 2 दिए गए हैं, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट दिया गया है और PC इनपुट भी दिया गया है। तो काफ़ी अच्छी जो फैसिलिटीज़ है वो टीवी हमें प्रोवाइड कर रहा है। डिस्प्ले भी देखा हमने, डिस्प्ले भी काफ़ी शार्प था, काफ़ी अच्छे कलर्स दिखाई दे रहे थे, साउंड क्वालिटी भी अच्छी है। 2 10 वॉट्स के 2 स्पीकर्स हैं, स्क्रीन मिररिंग है, जैसे कि आप फ़ोन अगर आप कास्ट करते हैं तो फ़ोन वो भी फीचर इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये मेरा फेवरेट फीचर है कि मतलब जब अगर फैमिली के साथ बैठे हो तो अगर फोटोज़ वगैरह किए हैं तो फ़ोन के अंदर ऐसा आप स्लाइड करोगे तो डायरेक्टली टीवी के अंदर वो डिस्प्ले आएगा, तो काफ़ी अच्छा फीचर भी मुझे लगता है। तो इस कोई भी फीचर्स के मामले में इसका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, जो भी फीचर्स अवेलेबल होते हैं, जो टॉप एंड सैमसंग सोनी के अंदर जो फीचर्स अवेलेबल होते हैं वो सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं।
और ये इंडियन स्टार्टअप है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इंडियन स्टार्टअप भी ऐसे प्रीमियम टीवीज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि अगर आप खरीदेंगे तो क्या आप ये टीवी खरीदेंगे, और आपको इसमें से कौन सा फीचर अच्छा लगा है, और बताएं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। इसकी बात करें तो ये टीवी आता है तकरीबन 24,000 के आसपास, तो ईबे से मैंने तो ख़रीदा है। देखते हैं आगे दूसरे वेबसाइट पे क्या क्या प्राइस है। तकरीबन 24,000 के आसपास ही हुआ ये टीवी। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे एक लाइक दीजिए, अपने दोस्तों अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आप अगर इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूले, वो जो नीचे लाल बटन है उसे दबाना ना भूले। दबाने के बाद जो छोटा सा बेल आइकन उसे भी दबा दीजिए, उससे होगा ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।